Hi, my name is Mukesh. I'm the founder of CO2O Training Institute and Financial Ecosystems. Today I'm going to discuss with you RSIs and Chandler Exits के दोनों के combinations के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। और इसमें ये जब आप वीडियो आप देखोगे ना, इसमें बहुत कुछ ऐसा लगेगा, yes, अगर इस दोनों की combinations को शायद मैं पहले कभी use कर रहा होता तो आज बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल्स पे रहते। तो ये चीजें आपको आज समझ में आएगा क्योंकि मैं ये चीजें मींस आरएसआई प्लस स्टैंडर्ड एग्जिट को मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 3000 स्टूडेंट्स, दे आर यूजिंग बोथ आरएसआई एंड स्टैंडर्ड एग्जिट। बट हमारा बहुत सारा काम स्टैंडर्ड एग्जिट खुद ही कर देता है और आरएसआई अगर आप लगाओ तो उसमें सोने पर सुहाना हो जाता है। अगर हम इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हो, और ये भी जानना बहुत जरूरी है क्या ये सच में काम करता है या नहीं, क्या मैं इसको यूज करके प्रॉफिटेबल बन सकता हूं या नहीं, क्या ये हमें एक बेस्ट और प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है या नहीं, ये सारी चीजों पे अगर आप देखोगे, यस, ये आरएसआई एंड चैनल एग्जिट आपको बहुत ही तरीके से काम करते हैं। चलिए ये चल के हम देखते हैं। और वो सारे स्टूडेंट्स जो लोग ये वीडियोस को आप देख रहे हो, उसके लिए ये गोल्डन चांस होगा आरएसआई को समझना, गोल्डन चांस होगा चैनल एग्जिट को समझना, और सबसे बड़ी बात ये होगा दोनों के कॉम्बिनेशंस को मिला के उस पर काम करना, राइट। चल के देखते हैं ये काम कैसे करता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तभी समझ में आएगा कि यस ये काम कैसे करता है। अब हम सीधा चार्ट पे लेके आए, और ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, ये चार्ट क्रूड ऑयल्स के चार्ट हैं। अगर आप, क्योंकि ये लाइव मार्केट्स है और लाइव मार्केट्स में आपको ये दिखेगा, समझ में आएगा जैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि मार्केट्स हमारा 3:30 तक तो क्लोज हो जा रहा है, लेकिन जो क्रूड ऑयल्स के जो बिजनेस है ना वो लगातार चल रहा है, वो 11:30 तक चलेगा। तो इसलिए मैंने इस पैटर्न्स को चुना, इस चार्ट्स को चुना ताकि आपको कुछ दिखे भी और आपको कुछ समझ में भी आए, राइट। अच्छा, जस्ट एग्जाम्पल्स है और जैसा मेरा व्यू है, जब भी कभी आप क्रूड ऑयल्स पे काम करते हो, आपके जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए, वो बहुत ही परफेक्ट काम करता है और आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बना सकता है, राइट। चलिए अब सबसे पहले हम दोनों चीज को देखेंगे। अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, हमारे पास ये RSI है और हमारे पास ये चैंडलर एग्जिट है, दोनों के इंडिकेटर्स हैं और आज हम दोनों इंडिकेटर्स के बारे में आपके साथ बात करूंगा, राइट। तो इसमें आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिल भी जाएगा और साथ साथ में मैं भी आपके साथ सीखूंगा, ताकि कुछ चीजें जो हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उसमें बहुत कुछ सामने आ जाता है कि यस कुछ चीजें पॉइंट्स में मैं मिस कर रहा था, आज यहाँ पे क्लियर मेरे लिए भी हो रहा है, राइट। चलो, क्योंकि साथ में सीखना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब रही बात कि RSI का जो पैटर्न्स हैं, RSI के जो सेटिंग्स हैं, उसको हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए। तो मैं आपको दोनों की बात कर लेता हूं। पहले तो हम इस चैंडलर एग्जिट की बात कर रहा हूं, तो आपको चैंडलर एग्जिट में क्या करना है, आपको यहां पे इंडिकेटर्स में जाना है, यहां पे जाके चैंडलर एग्जिट डालोगे तो ये वाला चैंडलर एग्जिट यहां पे आ जाएगा, जैसा कि मेरा यहां पे आया हुआ। अब मैं इसको अगर बड़ा करूं, इसके प्रॉपर्टीज में जाऊं, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहां पे आपको तीन सेक्शंस दिखेगा, एक इनपुट है, स्टाइल्स है और विजिबिलिटीज है। इनपुट में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको पहले से जो ATRs मल्टीप्लाई होंगे और पीरियड्स होंगे वो इसमें 22 और कुछ और होंगे, चलो उसको भी हम देख लेते हैं, अगर नहीं हो तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे देख लेते हैं चैनल एग्जिट को। यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर लिया, सिंगल क्लिक जब आप करोगे चैनल एग्जिट का तो ये इस तरह से दिखेगा, राइट। अब हमें जब आप इस तरह से देखेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दिस सिनेरियोस, राइट। तो हमें करना क्या है, आपको पहले ये सेटिंग करना पड़ेगा। हम सेटिंग में जाएंगे, इनपुट्स में आप देखोगे यहाँ पे 22 और 3 है, मींस ATR पीरियड्स इज 22 मल्टीप्लायर 3। हमारा जो सेटिंग्स है उसको हम 1 करते हैं और इसमें भी मल्टीप्लायर्स को भी हम 1 करते हैं, दैट मीन्स 1/1 आपको करने हैं। उसके बाद हम स्टाइल्स में आते हैं। स्टाइल्स में आप जब देखोगे यहाँ पे आपको जो, जैसे मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो आपको, अगर आप स्टाइल्स में जाते हो, राइट, अगर ये सारी चीजें छोड़ दे रहे हो, दैट मीन्स ये आपके जो दिख रहा है शैडो दिख रहा है कलर्स वाइज, अगर आप इसको मत नहीं रखना चाहते हो इस गुड, क्योंकि हमारा जो
चार्ट्स हैं जब हमारे जिस पे हम काम कर रहे होते हैं वो थोड़ा क्लीन हो तो ज्यादा बेहतर हो, और ये कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिग्नल चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी सारी चीजें इसको आप हटा दो, मैंने हटा दिया, ये बाई लेवल्स रहने हैं, और ये स्टॉप्स जो शॉर्ट है इसको भी हमने हटा दिया, तो आपके ये सारे हट गए। अब यहाँ पे जो शेडो है, मुझे ये शेडो भी नहीं चाहिए, तो आपको क्या करोगे, शेडो में सेल्स यहाँ पे लॉन्ग स्टेट फिल्टर्स यहाँ पे देखो आपका वो हो गया, और शॉर्ट स्टेट फिलिंग्स ये भी आ गया, मींस लॉन्ग स्टेट फिलिंग एंड शॉर्ट स्टेट फिलिंग दोनों हट गया। तो अब जो चार्ट है हमारा वो बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत अच्छा दिख रहा है। अब RSI पे जब आप आओगे तो यहाँ पे जब RSI पैटर्न्स पे हमें RSI को भी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे RSI आओगे, RSI तो ये वाला चीज आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे आएगा जो हमने यहाँ पे चेंज किया है। अब चेंज जो किया है वो कैसे है वो जानना बहुत जरूरी है, तभी आपका काम करेगा। जब यहाँ पे तीन सेक्शंस होते हैं, जैसे कि सभी सेक्शंस में सभी के सेम है, इनपुट में जो भी चीजें हैं उसको छेड़ना नहीं है, कुछ भी मत करो, मत करना, कुछ चेक मत करना, राइट, चेक अनचेक कुछ भी मत करना, एज इट इज रहने दो। स्टाइल में जब आएंगे इसमें सारे आपको जो दिख रहा है हमें उसमें क्या RSI है, इस RSI में यहाँ पे हमें यहाँ ब्लैक वगैरह जो भी कलर होगा हमें व्हाइट को चूज करना है, और इसमें ये वाला पतला को नहीं मोटा वाला को हमको सेलेक्ट करना है, नंबर वन। नंबर टू, RSI बेस्ट जो है इसको अनचेक कर लोगे, तो अगर सपोज चेक करोगे तो देखो ये क्लाइंट जा रहा है, जो मूविंग एवरेज है, RSI बेस्ड मूविंग एवरेज है, इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। अब ये अपर बॉलिंजर्स बैंड, लोअर बॉलिंजर्स बैंड इसको रहने दोगे। मेरा सेटिंग्स अब आता है यहाँ पे, राइट। अब मेन सेटिंग्स आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी इसको चेंज करना चाहोगे येलो कलर में और ये डिप में, तो ये भी मोटा में रखते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा, नीचे वाले को भी येलो कलर्स में रखते हैं और इसमें भी डिप में तो ये भी सही रहेगा, और इसको भी लाइन में डाल देते हैं तो वो भी अच्छा ही रहेगा, इट्स गुड। तो हमें कुछ दिखेगा यहाँ पे क्या है। अब दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों को हमने येलो कलर्स कर रखा है, अब बीच वाला यहाँ पे हमें चेंज करना है, लोअर बैंड्स का जो हमारा यहाँ पे कुछ और होगा, अब 30 होता है, यहाँ पे 30 लिखा होगा, यहाँ पे 50 लिखा होगा, यहाँ पे 70 लिखा होगा, हमें 30 को 20 में कन्वर्ट करना है, 50 को 40 में कन्वर्ट करना है, और 70 को 100 में डालना है, गेटिंग माई पॉइंट्स। और उसके बाद हमें कुछ नहीं, इसको ओके कर देना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे साथ पूरा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ गया, ताकि इसका रीजन है क्यों मैं ऐसा करता हूँ कि आपके जो जो यहाँ पे जब हम बाई और जब हम कुछ एनालिसिस करेंगे वो पूरा प्रॉपर आपको दिखेगा कि ये एनालिसिस हमारा किस तरीके से हो रहा है, राइट। तो अब देखोगे यहाँ पे, अच्छा जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है 15 मिनट के चार्ट पे लगे हुए हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर चाहोगे 5 मिनट के चार्ट पे वो भी, अभी 15 मिनट के चार्ट पे चल रहा है तो मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे भी करूँ, तो आपको यहाँ पे अब दिखेगा ये जो इंडिकेटर्स है हमारा RSI इंडिकेटर्स, ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जो RSI नियर अबाउट 24 के आसपास दिख रहा है, ये वाला जो अभी बना है वो यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला वो नियर अबाउट 22 और 70 का दिख रहा है, ये अचानक से ऊपर बढ़ के 40 के आसपास आया, फिर यहाँ से नीचे आया। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ तो वहाँ पे आपको कुछ डाइवर्जेंस वगैरह भी दिखने को मिलेगा, वो बहुत ज्यादा ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा, तो वो चीजें मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। जब RSI है, अब रही बात कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो हमारा कन्फर्मेशंस, ऐसे में ज्यादातर कन्फर्मेशंस RSI को हम यहाँ पे नहीं रखते, जब भी कभी मुझे कन्फ्यूजन्स होता है कि आप क्या करना चाहिए तभी मैं RSI को यूज करता हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है देन यू हैव टू बी यूज RSI, अदरवाइज यू कैन यूज द स्टैंडर्ड एग्जिट का जो इंडिकेटर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप उस पर काम कर सकते हो, इज अ वेरी वेरी यू नो क्रिटिकल साइड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड से, वेरी वेरी यू नो बहुत ज्यादा अच्छा है ये, और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों की तरफ से आ रहा है, जितने भी इंडिकेटर्स है वो लैगिंग इंडिकेटर है और लीडिंग इंडिकेटर समथिंग लाइक दैट। आई वुड से स्टैंडर्ड एग्जिट इंडिकेटर इज अ लीडिंग इंडिकेटर, आई एम नॉट सेइंग इज लैगिंग इंडिकेटर, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, स्टैंडर्ड एग्जिट इंडिकेटर इज अ लीडिंग इंडिकेटर आई वुड से। जिन लोगों को लगता है कि लैगिंग इंडिकेटर है उन लोगों को लगे बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता है क्योंकि आई एम वर्किंग हियर and more than the you know I would say it's a much better than anyone's, it's more than 5, 6, 7, not
मोर देन 10 ईयर्स आई वुड से. सो RSI जो जनरल एग्जिट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले ये इंडिकेटर्स को मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं था, जब तक किसी के थ्रू मैंने भी पैसे देके कहीं से सीखा है तो वहाँ से मुझे उन लोगों ने बताया जनरल एग्जिट किया है, फिर भी मैं उसको ज़्यादा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाता था. लेकिन लास्ट 5 ईयर्स से मैं यूज़ करता था जरूर, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सिग्निफिकेंट नहीं दिखता था, कभी यूज़ किया कभी हटा दिया, कभी ये किया कभी वो किया, समथिंग लाइक दैट औरों की तरह ही. बट लास्ट 5 ईयर्स आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग दिस स्टैंडर्ड एग्जिट. जब भी कभी आप मेरा चार्ट देखोगे, मैं बिना स्टैंडर्ड एग्जिट का चार्ट खोलता ही नहीं, बिना इसका मैं काम नहीं करता, क्योंकि ये ऐसा इंडिकेटर्स है जो हमारा डबल कन्फर्मेशन देता है, राइट. डबल कन्फर्मेशन जैसे ही हमें रेड कैंडल्स दिखा, यहाँ से मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, दैट मीन्स इंडिकेटर्स कम इन द पिक्चर्स, दैट मीन्स इज वन सिग्नल व्हाट माय बाय इज सेइंग, कैंडलस्टिक पैटर्न इज सेइंग इज आई एम गोइंग डाउन एंड सेल इज कमिंग द पिक्चर, दैट मीन्स डबल कन्फर्मेशन इज कमिंग हियर, दैट मीन्स इज गिविंग मी फाइनल कन्फर्मेशन, यस आई एम गोइंग डाउन. गेटिंग माई पॉइंट्स? नाउ RSI के बारे में, अब एक तो चैनल एग्जिट के बारे में मैंने बताया, अब RSI के बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ. अभी देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, राइट. अभी देखो ये वाला चीज़ है, आपको यहाँ से अगर ले तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, राइट, और ये 22 का है, मैं यहाँ से लेके वहाँ तक जाऊँगा. अब 20 जो हमारा करंट में चल रहा है, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, ये 15 मिनट्स के चार्ज पे मैं देख रहा हूँ, अभी ऊपर जा रहा है, राइट. तो हम दोनों चीज़ें बात करेंगे जहाँ पे ये अभी ये वाले पैटर्न्स पे यहाँ पे आ चुके. तो हम 22 पे हम बात करें, यहाँ पे क्या हुआ. अब देखो जो मार्केट्स है डाउन में खुला, जैसे एग्जांपल हमने आज 22 है और यहाँ पे देख रहा हूँ डाउनवर्ड, ये देखो फास्ट डाउनवर्ड की तरफ में गया है. उसके बाद क्या इसका जो सिग्नल्स दिख रहा है, ये लाइन जो जिस तरह से देखा है डाउनवर्ड्स की तरफ में ही दिख रहा है. अगर मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करूँ, राइट, तो आपको ये दिखेगा 22 में ये वाला लाइन जो दिख रहा है, ये सार्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ में दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ से मूवमेंट डाउनवर्ड की तरफ ही जाएगा, राइट. ऐसा दिख रहा है, दैट मीन्स ऐसा है, राइट. नेक्स्ट अब देखोगे यहाँ से 40 को टच करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में शिफ्ट किया है, और ये शिफ्ट बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है. दैट मीन्स ये कह सकते हो कि मार्केट में अभी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं है, और दिस इज नॉट द राइट टाइम्स टू बाय, राइट. अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से फिर डाउनवर्ड सेल्स का सिग्नल आया. अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगेन ये ग्रीन कैंडल्स आया तो आप यहाँ से निकल सकते हो. बट द थिंग इज, अब यहाँ पे ये नीचे आने के बाद हमें अब दिख रहा है ये लगातार 40 से नीचे गया. अब यहाँ पे देखो नियर वो 35 के पास है. अगर मैं इसके एक लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये वाला लाइंस यहाँ पे, और तो आपको दिखेगा ये हमारा जो लाइंस है, राइट, मैं इसका कलर वाइट में डाल देता हूँ. तो आपको ये वाला लाइंस जो दिख रहा है थोड़ा और नीचे यहाँ पे, राइट, अभी जो कितने पे दिख रहा है ये लाइन 33 के आसपास, राइट, 35 समथिंग, राइट. और यहाँ से ये अब धीरे धीरे अपवर्ड है, जब भी कभी 40 से नीचे आए और अगेन वहाँ से शार्प अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में RSI सिग्नल दे रहा है, इट मीन्स कि यहां से अब मार्केट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, नंबर वन. नंबर टू, अब हमें डबल कंफर्मेशन नहीं ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रहा है. एक तो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो प्राइस एक्शंस ये बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं, राइट, और दूसरा RSI भी बोल रहा है भाई ये अब ऊपर जा रहा है पकड़, और बाई बोल रहा है यहां पे चैनल एग्जिट सिग्नल बोल रहा है हेलो कर क्या रहे हो, बस जाने को तैयार है, सिट डाउन. एंड देन दैट मींस एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स ने बताया प्राइस एक्शंस मैं ऊपर जा रहा हूं, नंबर वन. RSI बोल रहा है भाई ये 40 से अब ऊपर जा रहा है, राइट, और बाई सिग्नल्स चैनल एग्जिट बोल रहा है हेलो भाई बस जाने को तैयार नहीं, जल रही है, जस्ट गो एंड सिट देयर, राइट. दैट मींस हमारा कंफर्मेशन कंप्लीट हो चुका और यहां पे हम बाई करने वाले हैं. तो अगर आप बाई कर दो, अब रही बात की इसकी होल्डिंग पीरियड कैसे होगा. अब मैं आपसे बहुत सिंपल से बोल रहा हूं, इसमें तब तक बने रहो जब तक कि आपका जो कैंडल्स है वो कैंडल्स के कलर्स दूसरे कैंडल्स के कलर्स में कन्वर्ट नहीं होता है. लेट्स एग्जांपल आप यहां देखो RSI ऊपर जा रहा है, राइट, तो जा रहा है, हमें डर किस बात का है, बाई का भी सिग्नल है, एक कैंडल्स बना, दूसरा बना, तीसरा बन रहा, चौथा बना, राइट. अब देखो ये वाला जो टॉप बन गया, करेक्ट, उसके बाद एक गजब का थोड़ा सा शार्प सिग्नल्स दिख रहा है. इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां जैसे हमें एक रेड सिग्नल्स मिला, तो आप चाहो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहां से यहां तक मिल चुका है, तो आप एक 100 पॉइंट्स के नियर अबाउट आ चुका है. तो आप अगर यहां पे
छोटा सा भी प्रीमियम्स का मींस 30, 35, 40 का भी आपने लिया होगा तो आपको यहाँ पे कम से कम 1000 से भी ज्यादा 2000 के नियर अबाउट प्रॉफिट हो चुके हैं। नंबर टू अब यहां पे आते हैं। अब ये वाला जो कैंडल्स यहां दिख रहा है ना, ये वाला लाइंस, इसका अब सिग्निफिकेंस आप देखोगे, यहां पे सिग्निफिकेंस देखते हैं। ये वाला लाइंस अब क्या दिखा रहा है, यहां पे आप देखोगे ये वाला लाइंस हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला लाइंस हमारा यहां से यहां तक जो गया है। अब यहां पे अगर मैं आऊं तो यहां से ये वाला जो डाइवर्जेंस दिख रहा है ना, ग्रीन रेड, ऐसे में हमें नहीं फंसना चाहिए। ग्रीन रेड अगर जब भी देखे, मींस एक कैंडल ग्रीन बन रहा है, दूसरा कैंडल रेड बन रहा है, दैट मींस इज यू हैव टू बी कम आउट फ्रॉम दिस योर पोजीशन, राइट। अब यहां पे कुछ भी हो सकता है। अब ये देखोगे ये लगातार अपवर्ड, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, टॉप से बॉटम की तरफ में शिफ्ट हो रहा है। जब भी कभी आप देखोगे यहां पे डाइवर्जेंस आ रहा है, मींस टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आने वाला जो सिनेरियो वो दिख रहा है वो नीचे की तरफ ही दिख रहा है, ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डिवर्जेंस किस तरफ जा रहा है, किधर को शिफ्ट कर रहा है। अगर यहां दिख रहा है, अगर यहां पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि नीचे, क्योंकि आप जब यहां देखोगे हमारा यहां पे प्राइस एक्शन, यहां पे देखो ये वाले लाइन से देखते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, बट यहां पे क्या दिख रहा है, हमारा डाउनवर्ड की तरफ में जा रहा है। तो इसका मतलब है ऊपर तो यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में गया ही है, बट आने वाले जो कैंडल्स हैं, आने वाले जो पैटर्न्स बनने वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में बनने वाला है। ये चीजें हमें समझना पड़ेगा, ये चीजें आपको एक दिन में नहीं होगा एक चीज, क्योंकि जब आप पैटर्न्स को देखते रहोगे, समझते रहोगे, आपको समझ में आएगा, तभी आपको ये चीजें लगातार आपको समझ में आएगा, राइट। अब यहां पे देख रहे हैं पैटर्न्स, ये वाला चीज लगातार यहां से देखेंगे तो ये बढ़ ही रहा है, राइट। हमने इसको कलर भी, चलो कलर मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कलर दिखेगा। आप ये देखो ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है बट इस जगह पे नीचे की तरफ में जा रहा है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ में जाएगा, राइट, गेटिंग माय पॉइंट्स। अब यहां से फिर नीचे जा रहा है, यहाँ पे देखो छोटा सा हमें सेल का सिग्नल बना है, तो हमें यहाँ पे अगर एंट्री लेना चाहोगे तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन चुका है, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। ऐसे भी जब आप काम करते हो तो थोड़ा सा अपना प्राइस एक्शन को भी देखना जरूरी है, नेक्स्ट कैंडल्स कैसा बन रहा है वो भी देखना जरूरी है, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना चाहिए। अब जब आप यहां आते हो ना ग्रीन कैंडल्स, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी कुछ समझ रहा हूँ आपको, मैं ये जान रहा हूँ कि मैं सामने आप बैठे हुए हो और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से समझो, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से RSI के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलो अब यहां पे देखोगे कि ये वाला चीज, क्योंकि ये नीचे तो आया और बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, अब यहां पे मैं देखो कितने पे, 52 के आसपास यहां पे है, राइट। ये वाला यहां पे देखो आप 52.99, मींस अगर मैं इसको जाऊं यहां पे देखोगे 52.99 के नियर अबाउट यहां पे हमारा RSI का लाइन दिख रहा है, इस जगह पे आके खड़ा हुआ है और यहां से फिर शार्प अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव किया। अब मैं यहां आऊं तो ये मुझे ग्रीन सिग्नल्स के, ये वाला जो कैंडल्स बना है ये मुझे ये बता रहा है कि मैं अब थोड़ा सा ऊपर जाने वाला हूं, अगेन रेड कलर में ना थोड़ा सा नीचे गया, फिर एक शार्प मूवमेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में गया, अगेंस्ट एक बड़ा सा फॉल डाउन दिखा है क्योंकि ये ग्रीन रेड कैंडल्स बना है, देन अगेंस्ट ये बड़ा कैंडल्स बनता हुआ दिख रहा है। अब आप देखोगे जब एक शार्प बहुत जिगजैग में नहीं बन रहा है और एकदम एक लाइन शार्प अपवर्ड डायरेक्शन में तरफ में बन रहा है, इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाला है, राइट, ये वाला सेस के रूप में। तो आप यहां से देखोगे ये वाला कैंडल्स यहां से यहां तक एक बड़ा शार्प मूवमेंट दिख रहा है, और अगर आप यहां पे अपना एक पोजीशंस बनाते तो आपकी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलता है, और नियर अबाउट अगर छोटा भी आपने प्रीमियम से ले रखा है तो भी आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ अब यहां पे देखोगे आपका एक नेक्स्ट, ये वाले कैंडल्स जैसे ही आया, ये वाला कैंडल एक छोटा सा जो कैंडल्स बना है, क्योंकि मैं विक्स को यूज नहीं करता, आपको डबल क्लिक करोगे आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, नहीं ये जो विक्स है मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ये विक्स यूज नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये विक्स में, तो इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ, और फ्रेश चीजें कुछ ज्यादा अच्छा दिखता है तो और काम करने में भी मजा आता है, राइट, इसलिए मैं यूज नहीं करता। तो अब रही बात यहां से ये वाले कैंडल्स को देखोगे तो यहां पे आए, उसके नेक्स्ट जो लाइंस है ना वो शार्प डाउनवर्ड के डायरेक्शंस में जा रहा है, अगेन मैं
ये वाला जो लाइंस बना यहाँ पे जो एक डायवर्सन दिख रहा है नीचे के तरफ में, वो जो आरएसआई में दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, बट एक शार्प डाउनवर्ड के डायरेक्शन में दिख रहा है। अगर ऐसा दिख रहा है और प्लस सेल का सिग्नल दिख रहा है तो इसका मतलब है बल्ले बल्ले है ना बॉस, हमको डबल ट्रिपल सिग्नल्स मिल गया। अगेन आई एम सेइंग प्राइस एक्शन सेइंग आई एम गोइंग डाउन, राइट? आरएसआई सेइंग यस वेरी शार्प मूवमेंट्स इज गोइंग डाउन, और सेल सिग्नल चैनल एग्जिट इंडिकेटर सेइंग आई एम गिविंग यू सिग्नल इज सेल गो डाउन। तो आप ये देखोगे कि एक शार्प मूवमेंट्स डाउनवर्ड की तरफ में मिला है, उसके बाद एक नीचे जाता रहा है, अगेन उसके बाद लगातार सी गया है, ठीक है? तो आप यहां पे जिगजैग देखोगे तो वही होगा जब एक ग्रीन एक रेड सिग्नल्स बनेगा, तो आपको इस तरह से दिखेगा। उसके बाद ये देखो लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में ही गया है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो बहुत प्रॉपर तरीके से तो आपको एक परफेक्ट सिनेरियो यहां पे बनता हुआ दिखेगा और आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा भी देता है। तो आप यहां पे देख रहे हो बहुत सारे डायवर्जेंस आपको दिख रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं यहां पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो सेम बाई का सिग्नल मिल रहा है, फिर ऊपर की तरफ में आ रहा है, दैट मीन्स डाइवर्जेंस जो है ना वो आपको यहाँ से अगर टॉप ऊपर में गया फिर अगेन यहाँ सिग्नल्स मिला साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ में जा रहा है, तो हमें इंडिकेशन साफ मिल रहा है कि हमें करना क्या है, राइट? अभी यहाँ पे देखो ये करंट सिचुएशन में आप देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो ये वाली क्या है, आज गैप अप खुला था क्रूड ऑयल्स के बाद। देखो कोई भी चार्ट देखो, चाहे वेदर यू हैव टू बी बैंक निफ्टी निफ्टी, उस पर भी हम थोड़ा सा चलेंगे, बैंक क्योंकि लाइव चल रहा है इसलिए मैंने इसको चुना है ताकि आप इसको देख सको समझ सको, राइट? अभी यहाँ पे क्या है, एक मैंने ये बनाया। अब देखो ये गैप अप खुला था नियर अबाउट 60 पॉइंट्स के नियर अबाउट गैप अप खुला है, और यहां से मैं देखूं तो ये पूरा ये जो लाइंस बना है ना बहुत ज्यादा सीधा है, स्ट्रेट। अगर सीधा स्ट्रेट बन रहा है तो दैट मीन्स मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम इसको इसलिए चुना है, अब यहां पे देखोगे क्या हो रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि आने वाला जो ये मूवमेंट्स होगा ना ये मूवमेंट्स ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये देखोगे ये मूवमेंट्स यहां से ऊपर की तरफ में ही शिफ्ट किया है। अब दूसरा मूवमेंट्स अब देखोगे ये वाली चीजें दिखा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में देगा। यहां से देखोगे ये वाला ऊपर की तरफ में दिख रहा है तो हल्का ऊपर है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा मूवमेंट्स बड़ा नहीं दिखाएगा, जो वैसा ही हुआ है कुछ बड़ा रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स सिमिलरली एक साथ बने और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिला होगा जो भी ट्रेड्स में लिए, तो थोड़ा सा पेन ही आया होगा। बट ये जो हुआ है 6 o'clock के बाद बहुत फास्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ में गया है, और यहाँ में देखोगे ये वाला चीज डाइवर्जन जो है डाउनवर्ड साइड्स में है, तो दैट मीन्स ये हमें ये दिखा रहा है यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, राइट? तो नीचे जा रहे हैं तो दैट मीन्स सेल सिग्नल्स आ चुका है, वन कन्फर्मेशन RSI बोल रहा है ये डाइवर्जन नीचे डाउनवर्ड के डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स नीचे जाने वाला है, और चैनल एग्जिट भी सेल दिखा रहा है, तो प्राइस एक्शन भी दिखा रहा है, मतलब तीन आपके पास कन्फर्मेशन आ गए, थ्री कन्फर्मेशन, RSI कन्फर्मेशन वन, चैनल एग्जिट कन्फर्मेशन टू, और प्राइस एक्शन जिस पे आप काम कर रहे हो, दैट मीन्स अगर थ्री सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? कभी भी आप RSI को यूज करते हो तो जब आप RSI को यूज कर रहे हो तो इन लाइव मार्केट्स में, जैसे कि अभी लाइव मार्केट चल रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होंगे, राइट? बस जब इंडिकेटर्स के साथ आप काम करोगे, वो भी चैनल एग्जिट इंडिकेटर के साथ, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली रूप से सॉल्व कर देगा, आपके पूरे कंफ्यूजन को खत्म कर देगा। अब यहीं पे देखो क्या हुआ है, ये वाले कैंडल्स कहाँ गया है, नीचे गया, कहाँ पे 32 के आसपास गया है, करेक्ट? अब यहां से फिर अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में धीरे धीरे ऊपर की तरफ में जाता हुआ दिख रहा है, ये वाला पुराना वहां से ला, ये देखो यहाँ पे डाला है, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ पे देखा, ये 40 पे हमारा ये लाइन है। अब यहाँ पे देखो इसको टच किया हुआ है, जब तक एक बड़ा शार्प मूवमेंट्स देगा तो मुझे यह लगता है यहाँ से हो सकता है ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में जाए, क्योंकि बड़ा शार्प हो सकता है, नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके हो सकता है नीचे की तरफ में भी शिफ्ट करे, बस एनीवे क्या करेगा वो आपको देखना पड़ेगा और यहीं पे हमें दिखेगा, राइट? तो यहां से अगर जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में आप एक पोजिशन बना सकते हो, बट मैं आपसे बोलूंगा अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बना, क्या आपको लगता है ये फ्रूटफुल होगा? आप जस्ट इंडिकेटर्स में, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, क्या आपके लिए फ्रूटफुल होगा? मैं बोलूंगा नहीं। अगर मुझसे अगर पूछोगे क्या आप सर यहाँ पे आप अपने पोजीशंस बनाओगे, मैं एकदम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि RSI ठीक है, RSI नीचे से आ गया, वन सिग्नल मुझे मिल चुका है, अब 33 से ऊपर जा चुका है, दिस इज अनदर सिग्नल, एक और यहाँ पे मिल गया, यस दिस इज अनदर सिग्नल, बट एक और सिग्नल है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, जिस इज द यहाँ पे बाय का सिग्नल आना चाहिए,
अगर यहाँ पे बाई का सिग्नल आ गया देन आई हैव टू बी इंटर इनटू दिस ट्रेड, अदरवाइज नो, मैं नहीं लूंगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कभी भी RSI अगर मुझे ऊपर दिखा रहा है जा रहा है, यस दिस इज अ साइन, इज बुलिश साइन, करेक्ट। हमारा प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये कुछ थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, लग रहा है कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, या फिर या तो ऊपर चल चला जाएगा या फिर यहीं से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नो बडी इज गुड। नाउ ये आ गया, अगेन दूसरा कैंडल्स देखो, ये हमारा किस तरह का बन रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर गया, एक रेड बन गया। अब देखो क्या हुआ, एक ऊपर तो गया, अगेन डाउनवर्ड की तरफ भी बन गया, बट द सिग्नल इज नॉट कमिंग। अगर सिग्नल नहीं आया तो हम यहाँ पे नहीं लें, तो यहाँ पे जैसे ही इस बाई का सिग्नल आएगा मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, और हो सकता है ये ऊपर जाए तो हमें थोड़ा वेट करेंगे, तब तक वेट करेंगे जब तक ये प्रॉफिटेबल्स ना बना दे, राइट। और जब तक इसके अपोजिट कोई कैंडल्स नहीं बनता है पूरा कंप्लीट 15 मिनट चांस बनने के बाद, तभी हम वहां से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज नहीं, राइट। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ये तरीका, ये चीजें, थ्री कॉम्बिनेशन अगर मिला तो, जैसे एक प्रचार आता था ना पहले, एडवर्टीजमेंट आता था कि जब हम तीन यार जब बैठेंगे तो बहुत मजे आएंगे, राइट, एक यू मी एंड मायसेल्फ, तो इस तरह के तीन यार जब बैठेंगे, बैक पेपर्स का वो आया ना, सेम सिमिलर थिंग इज, ये तीन कंफर्मेशन हमारे पास आ गया, दैट मींस इज प्रॉफिट बनने की गारंटी आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा हम एंट्री लेंगे, चलो देखते हैं। दूसरा, अब यहीं पे अब बैक निफ्टी, निफ्टी की मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, जब यहाँ पे आएगा तो फिर देखेंगे, जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं लेना है, और ये आपको रियल टाइम में भी करना है तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। नाउ अब यहाँ पे हम आते हैं निफ्टी के ऊपर, और थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। अब देखोगे आज क्या हुआ है, अब देखो क्या हुआ, आज था 24, राइट, मैं कहाँ आ गया, राइट, आज था 24, राइट, 24 को यहां से आप देखोगे, 24 को यहां पे आया ऊपर से, राइट, ये वाला कैंडल यहां से खुला और यहां से नीचे की तरफ आया, उसके बाद थोड़ा सा इधर कर दो, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, यहां से आ रहा है, इसके बाद क्योंकि ये 15 मिनट के चार्ट पे हैं, और ये यहां से ऊपर की तरफ में गया है, तो आप बोलोगे सर आपने यहां पे लिया, नहीं, क्योंकि जब भी आप बैंक निफ्टी निफ्टी पे काम करते हो हम वहां पे 5 मिनट के एक चार्ट पे काम करते हो, 5 मिनट पे ही करते हो, राइट। और 5 मिनट पे आप देखोगे तो ये वाली चीजें आप कहां देखोगे, ये 20 से भी, ये वाला चीज देखोगे आप 20 से भी नीचे गया, दिस इज अ वेल एंड गुड नो। अगर कोई पैटर्न हमें RSI 20 से भी नीचे दिखा रहा है तो इसका मतलब है वहां से एक शार्प मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में देखने को मिलेगा, और जो मिला या बाई का सिग्नल मिला और बहुत अच्छा था, यहां से लिया अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में गया, जो भी हमारे लॉसेस थे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहां से फिर देखोगे एक शार्प मूवमेंट आया, अगर आपने लिया ये यहां तक आया, उसके बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं दिया है, बहुत स्लो रहा है, लग रहा था पता नहीं एक एक कैंडल्स को बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो दैट इज नॉट गुड कि हम यहाँ पे इंटर लें, राइट। तो हमने कुछ भी नहीं किया, एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिला, एक यहाँ से यहाँ, फिर एक यहाँ से यहाँ आया, दैट्स ऑल। उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, एज इट इज सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बैठे रहे, हमने नहीं किया कुछ, तो हमें कुछ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो हमने नहीं किया क्योंकि बहुत स्लो था। सो अब देखो यहीं पे अगर बाय बन रहा है, अगेन सेल बन रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ पे लिया फिर यहाँ पे आओगे तो क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे देखे तो कुछ भी प्राइस एक्शन बन रहा है, बट आपके जो प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है घट रहा है समथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं हो रहा था। देन एक आया 2:25 पे, एक कन्फर्मेशन आया, अच्छा खासा ठीक ठाक था, लेकिन इसमें भी प्रीमियम्स के जो ग्रोथ है ना वो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था, वो ग्रोथ आके यहाँ के आसपास में दिखा है, यहां से यहां अगर ले रहे तो थोड़ा सा 2-4-5 पॉइंट्स ऊपर जा रहे थे, और यहां से थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में जो शिफ्ट किया है वहां पे आया, और ये मैं देखूं तो ये नियर अबाउट 50 से ऊपर क्रॉस कर चुका है। फिर से अगर मैं वहां पे लेके आऊं, ये वाले को मैं ओपन कर देता हूं, और ये देखें 15 मिनट के चार्ट पे क्या वहां पे सिग्नल दिया है, देखो अभी भी ये सिग्नल्स नहीं है, तो क्या हमें एंट्री करना है, मैं नहीं एंट्री इसमें मैं नहीं करूँगा, राइट। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, जब तक बाई का सिग्नल नहीं लेगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको एक में खोल के दिखा रहा हूँ। अब रही बात, सॉरी इसको यहाँ रहने देते हैं, जब एंट्री करेगा तब देखेंगे, राइट। फिर यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, दूसरे को यहाँ पे खोले ना, राइट। यहाँ पे देखोगे आप क्या हो रहा है, ये अपर डायरेक्शन के में शिफ्ट किया, और ये वाला कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे 60 से ऊपर क्रॉस कर रहा है,
15 मिनट के चार्ज पे चलूं तो ये हमें नियर अबाउट 50 के आसपास है, तो हमें कुछ तो ऐसा साइन दिखा रहा है कि ये हो सकता है यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में शिफ्ट करे। इसमें भी ये कल की बात है और यहाँ पे एक बाई का सिग्नल 15 मिनट पे दिख भी रहा है, तो दैट मीन्स हो सकता है कल के मार्केट्स में कुछ हो अच्छा हो, राइट। तो आपको शायद इस तरह से समझ में आ गया होगा। और एक मैं बैंक निफ्टी के भी दिख रहा हूँ, वहां पे जो सॉरी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी की देखो तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। बैंक निफ्टी को मैं 5 मिनट के चार्ट पे भी लेके चलूंगा और 15 मिनट के चार्ट पे भी देखूंगा। ये जो दिख रहा है मैं वन डे के मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए वो भी हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे ये लाइन खींचा क्या है, तब आपको समझ में आ जाएगा और वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे आप देखोगे लगातार मैं कुछ 4th जून से मैं इसको आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्या हुआ, डब्लू पैटर्न्स बनता है, एक फिर नीचे गया फिर अगेन ये बना, एक देखो बड़ा सात मूवमेंट्स आया, वन कंप्लीट डब्लू पैटर्न्स हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये यहाँ से इधर से लोगे तो ये शार्प में दिखेगा, ये एक बहुत शार्प ऊपर गया, अब यहाँ से एक नीचे गया है, 1, 2 एंड 3 एक डब्लू पैटर्न्स आपका बन चुका है। यहाँ पे मैंने ये बोला है सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये डब्लू पैटर्न्स खत्म हुआ। अब दूसरा देखोगे एक नीचे गया फिर अगेन यहाँ से ऊपर गया, अगेन ये यहाँ पे नीचे आया और फिर ये प्रेडिक्शन हमारा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ ही शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। सो दैट मीन्स होपफुल ये यहाँ से कल थोड़ा इसको क्रॉस करने की कोशिश करे या इससे भी बड़ा पैटर्न बनाए या फिर थोड़ा सा ही बनाए, बट इसके मूवमेंट्स अब अपर डायरेक्शन की तरफ में ही दिख रहा है। अब मैं 5 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझने की दोनों चीजें कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे भी अगर मैं इसको अब थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ है, RSI हमारा यहाँ पे नियर अबाउट 32 के आसपास दिख रहा है, राइट 32 के, और यहाँ से अपर डायरेक्शन से बाई का सिग्नल दिया और ऊपर की तरफ गया, गेटिंग माई पॉइंट्स, ये बाई का सिग्नल दिया हम ऊपर की तरफ चले गए, राइट। अब जैसे ही ऊपर की तरफ है जो भी पॉइंट्स आया हमें ठीक ठाक पॉइंट्स अभी मिला है। अब यहाँ पे देखोगे ये यहाँ से करेक्शन अपर डायरेक्शन की तरफ में बहुत ज्यादा शार्प मूवमेंट्स आया था और वो भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिला था, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सारी चीजें, इसके बाद कुछ भी नहीं था मार्केट में, कुछ भी नहीं उसके 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं था जो किया जा सके, यहाँ पर भी हमने बाई नहीं किया है, एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा था तो मैंने छोड़ दिया और कुछ नहीं किया। तो एज इट इज आपको ये चीजें समझ में आ गया कि डाइवर्जेंस क्या है, साफ क्या है और हमें यूज कैसे करना है। तो यूज तीनों के मैंने बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कंफर्मेशन मिलते हैं, चैनल एग्जिट्स के पैटर्न्स के साथ हमें कंफर्मेशन मिल गया और RSI भी हमें कंफर्मेशन दे दिया। ये तीनों कंफर्मेशन के बाद हम इसमें एंट्री लेते हैं तो आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस, प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको शायद ये सारी चीजें समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं है और किस तरीके से ये काम करते हैं। ये RSI आपके लिए बहुत परफेक्ट काम करता है अगर इस पे काम करते हो तो, RSI प्लस चैनल एग्जिट्स के जो आपके पैटर्न्स बनते हैं और उसके हिसाब से अगर आप काम करते हो तो प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं, राइट। दूसरा, इफ यू वांट टू जनरेट द प्रॉफिट रेगुलर बेसिस 5000 से 1 लाख, 10000 से 2 लाख, 1 लाख से 25 लाख इन 5 मंथ्स, फिल द गूगल फॉर्म्स गिवन लिंक बिलो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम्स एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। और क्योंकि अब आप ये देखोगे कि बहुत सारा चीजें हमारे लिए एक ईजी नहीं अब बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स ये होने वाला है क्योंकि अगर जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 5000 10000 या 50000 पे काम करते हो तो उनके लिए अब आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो फैब के बाद बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरा, अगर आप 5000-10000 पे एंट्री लेते हो बहुत छोटे प्रीमियम्स पे वहां जाओगे तो उसमें विनिंग के जगह पे लूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा भी आपको लूज होगा तो पूरा पैसा आपका जो है वो पूरा स्वैप आउट हो जाएगा। तो ऐसे में आपका सॉल्यूशंस क्या है, ऐसे में सॉल्यूशंस है स्विंग ट्रेडिंग, उसके लिए हमारा पूरा मास्टर क्लास है। आप ऑप्शन में जाना चाहते हो तो वो भी है पूरी तरीके से, लेकिन आपके पास फंड एक हैंडसम अमाउंट होना चाहिए, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सारे चीज ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अगर मेरे कम्युनिटीज में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट वेलकम है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल्स हो रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग्स की स्ट्रेटेजी हमारा एंटायरली डिफरेंस है, वहां पे आते हो तो आपको और भी प्रॉफिटेबल्स बनने के चांसेस लगातार बढ़ता चला जाएगा। चलो, ये सारी चीजें तभी आप कर सकोगे जब हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन करते हो। नेक्स्ट, ये चीजें जो है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, ये आपके लिए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा सर आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन, मैं आपसे ये कहूंगा आपकी मर्जी तो करो, नहीं मर्जी
एंजॉय करो। चलो नेक्स्ट, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो मैं आपसे बोलूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।